मेरा नाम भारती गोस्वामी है, मैं गोवर्धन की रहने वाली हूँ मथुरा के पास, और मैंने एक जाट लड़के से शादी की है। मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे घर वाले और उसके खिलाफ और मेरे खिलाफ रिपोर्ट करना चाहते हैं, झूठे केस लगाना चाहते हैं, और मेरी यह दरख्वास्त है। उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं उसको परेशान कर रहे हैं, उसके भाई को परेशान कर रहे हैं, और मैं इसके साथ खुश हूँ। और मेरे गोवर्धन थाने एसओ साहब से यह रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरे पति को सुरक्षा प्रदान करें, उनकी कोई भी रिपोर्ट ना लिखें, कोई भी उसके ऊपर कोई केस ना लगाएं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मथुरा एसएसपी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि मुझे और मेरे पति और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे मारने की धमकी दी है। मथुरेश कौशिक, नारायण दीक्षित और मेरे चाचा वगैरह सब मुझको मारना चाहते हैं, और मेरे पति और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं दिन ब दिन। मेरे पति और मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, वो मुझे जबरदस्ती नहीं लेके आया, मैं उसे लेके आई हूँ, और हमने शादी की है हाई कोर्ट से। मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल राजपूत है और मैंने ऋतुराज सिंह राजपूत से 5 जुलाई 2019 को पूरे होशो हवास में और अपनी मर्जी से शादी की है। मैं अपने दादाजी श्री मुरारी लाल अग्रवाल इलाहाबाद के पूर्व उप महापौर, मेरे पिताजी श्री पवन अग्रवाल, मेरी बुआ फूफा दुबे जी, आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप पुलिस प्रशासन की मदद से और अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ करके कृपया हमें तंग करना बंद कर दें। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पति के साथ में सुख चैन से जीना चाहती हूँ, इसलिए कृपया मुझे, मेरे पति को और मेरे ससुराल पक्ष को तंग करना बंद कर दें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कोई भी धमकियाँ ना दें, और यदि भविष्य में हमें कोई भी हानि पहुँचती है तो उसके जिम्मेदार मेरे दादाजी, पिताजी, मेरी बुआ फूफा और दुबे जी होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम भारती गोस्वामी है, मैं गोवर्धन की रहने वाली हूँ मथुरा के पास, और मैंने एक जाट लड़के से शादी की है। मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे घर वाले और उसके खिलाफ और मेरे खिलाफ रिपोर्ट करना चाहते हैं, झूठे केस लगाना चाहते हैं, और मेरी यह दरख्वास्त है। उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं उसको परेशान कर रहे हैं, उसके भाई को परेशान कर रहे हैं, और मैं इसके साथ खुश हूँ। और मेरे गोवर्धन थाने एसओ साहब से यह रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरे पति को सुरक्षा प्रदान करें, उनकी कोई भी रिपोर्ट ना लिखें, कोई भी उसके ऊपर कोई केस ना लगाएं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मथुरा एसएसपी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि मुझे और मेरे पति और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे मारने की धमकी दी है। मथुरेश कौशिक, नारायण दीक्षित और मेरे चाचा वगैरह सब मुझको मारना चाहते हैं, और मेरे पति और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं दिन ब दिन। मेरे पति और मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, वो मुझे जबरदस्ती नहीं लेके आया, मैं उसे लेके आई हूँ, और हमने शादी की है हाई कोर्ट से। मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल राजपूत है और मैंने ऋतुराज सिंह राजपूत से 5 जुलाई 2019 को पूरे होशो हवास में और अपनी मर्जी से शादी की है। मैं अपने दादाजी श्री मुरारी लाल अग्रवाल इलाहाबाद के पूर्व उप महापौर, मेरे पिताजी श्री पवन अग्रवाल, मेरी बुआ फूफा दुबे जी, आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप पुलिस प्रशासन की मदद से और अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ करके कृपया हमें तंग करना बंद कर दें। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पति के साथ में सुख चैन से जीना चाहती हूँ, इसलिए कृपया मुझे, मेरे पति को और मेरे ससुराल पक्ष को तंग करना बंद कर दें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कोई भी धमकियाँ ना दें, और यदि भविष्य में हमें कोई भी हानि पहुंचती है तो उसके जिम्मेदार मेरे दादाजी, पिताजी, मेरी बुआ फूफा और दुबे जी होंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।